Hey guys, what's up? This is Shivali from EHS for you. और इस वीडियो में आइए चलिए देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में। दोस्तों कल ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ है Vivo Y69। ये हैंडसेट का खासियत यही है कि फिर से Vivo ने सेल्फी के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया है। सामने 16 मेगापिक्सल शूटर विद मूनलाइट फ्लैश मिल जाता है आपको विद फोकल एपर्चर ऑफ f/2.0। बात करें बाकी स्पेसिफिकेशंस के तो इसमें 5.5 इंच का स्क्रीन साइज है, HD डिस्प्ले है, 1280x720 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है दोस्तों। और बात करें अंडर द हुड की तो इसमें मीडियाटेक की 6570 का चिपसेट है, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, क्लॉक स्पीड 1.3 गीगाहर्ट्ज की, 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी में मिलता है, डुअल सिम वेरिएंट में आता है यह हैंडसेट, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट अप टू 256GB तक है यह हैंडसेट में। अब बात करें रेयर कैमरे की तो इसमें 13 मेगापिक्सल शूटर है विद फोकल एपर्चर ऑफ f/2.2 एंड डुअल फ्लैश। Vivo Y69 आपको मिल जाएगा 1 सितंबर से Amazon, Flipkart और ऑफलाइन मोड्स में से ही। तो अगर आप खरीदना चाहते हो यह हैंडसेट आपको सिर्फ देना पड़ेगा 14,990 रुपीज, इससे आपको मिल जाएगा Vivo Y69। मूविंग ऑन दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि Samsung Galaxy Note 8 अब लॉन्च हो चुका है ग्लोबली, लेकिन जो ड्रास्टिक डिफरेंस है जिसके कारण Note 7 फ्लॉप हो गया था या फिर एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ था वो था बैटरी। Note 7 में 3500 mAh का बैटरी था, वही पे Note 8 पे 3200 mAh का बैटरी है। अब ये रिड्यूस्ड बैटरी जूस इसलिए है ताकि ज्यादा ध्यान दिया गया है ये बैटरी ब्लास्ट ना हो, और जब हीटेड अप हो तो एक्सपेंशन के लिए जगह बचे वहां पे, तो वो बैटरी कभी भी कुछ भी खराब नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, ये भी कहना है सैमसंग का कि क्योंकि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 चिपसेट का 10 नैनोमीटर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज किया गया है तो इसमें 30% ऑफ बैटरी सेविंग होता ही है, आपका बैटरी लाइफ और भी एनहांस हो जाएगा। और ये भी दावा है सैमसंग का कि ये बैटरी जो यूज किया गया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में वो 2 साल बाद भी 95% चार्ज तक विथ हिल कैपेसिटी अच्छा खासा रहेगा। तो ये कारण है ये 3300 mAh बैटरी करने का। ऊपर से बहुत सारा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है हैंडसेट्स में, जहां पे आप अपना बैटरी अपने मर्जी के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से बैटरी के ऊपर सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 लॉन्च हुआ है ताकि कोई भी डिबाकल ये ओवरकम कर सके और जो टारगेट है नोट 8 का वो अच्छे तरीके से पूरा कर सके। आखिर में दोस्तों एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, ये हैकर्स वर्ल्ड से लॉन्च हुआ है ये ऐप। ये ऐप से एक TDK आपको मिलता है, ट्रोजन डेवलपमेंट किट। अब ये यूज करके कोई भी नॉन हैकर्स, कोई भी नॉन कोडर्स सिर्फ कुछ फॉर्म फिलअप करके एक ट्रोजन या फिर एक स्पैमवेयर क्रिएट कर सकता है। अब ये क्रिएशन हो जाने के बाद सिर्फ कुछ फॉर्म फिलअप से, जैसे कि आप कैसे मैसेज चाहते हो जब ये ट्रोजन अफेक्ट करेगा कोई भी एंड्रॉइड डिवाइसेस में, ऐसे सिंपल फॉर्म फिलअप से ये ट्रोजन डेवलप हो जाता है। और आखिर में एक स्मॉल डोनेशन आपको देना पड़ता है ये जो क्रिएटर ऑफ दिस ऐप है, उसके बाद ये स्पैमवेयर आपके पास आ जाता है। आप किसी भी एंड्रॉइड हैंडसेट को टारगेट करके वो अफेक्ट कर सकते हो, ये लॉक हो जाएगा वो एंड्रॉइड हैंडसेट, वहां पे एक पॉपअप आएगा कि कुछ रैंसम देने के लिए, तो मतलब ये रैंसम वेयर भी क्रिएट हो गया। अब ये तो बहुत ही चौंकाने वाला चीज है दोस्तों। तो अगर कोई भी प्रमोशनल मैसेज, कोई भी ऑफर्स आपके पॉपअप्स में कभी भी आए एंड्रॉइड हैंडसेट्स में, ध्यान में रखना दोस्तों ये कभी सच नहीं होता है, कोई किसी फ्री में आपको कुछ भी नहीं देगा और ऐसे अच्छा खासा ऑफर्स तो होता ही नहीं है दोस्तों। तो कोई भी पॉपअप को क्लिक करने से पहले दोबारा सोच लेना, आपका एंड्रॉइड हैंडसेट हैक हो सकता है, स्पैमवेयर का शिकार भी हो सकता है, रैंसमवेयर का शिकार भी हो सकता है। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए, जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक न्यूज डेली पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, या फिर आप ट्विटर, फेसबुक या गूगल प्लस में भी पोस्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा हैशटैग
E-Gadgets for you. So that will be it, guys. Bye for now.